रंगोली बनाई है और इतनी बेहतरीन बनाई है कि आप जैसे शाम को दिए जलाएंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत से बनाई है। दरअसल आज दिवाली मनाने का मतलब ये है कि हर कोई अपने घरों में तो मनाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम सब एक साथ हैं, हमें चीज़ों को देखने का मौका मिला, हमें पूजा करने का भी मौका मिला, उसमें भी देखा हमने कि किस तरह से पूजा की जाती है, हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है रंगोली बनती है, थाली तैयार होती है, किस तरह से जो है वो आशीर्वाद दिया जाता है। हमारे यहाँ भी हर किसी का एक तरीक़ेकार है इबादत का, तो हमें कभी भी उस तरीक़ेकार से या उस इंसान से, बल्कि हम सब एक दूसरे के लिए उतने ही मुकद्दस हैं, उतने ही अहमियत रखते हैं, उतने ही इज्जत रखते हैं हमारे अपने मेरे पड़ोसी या मेरी मुसलमान बहनें मेरे लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही रहना ज़रूरी है, किरण ज़रूरी है, जमना ज़रूरी है और जो है हेलन ज़रूरी है। नाम में कुछ भी नहीं रखा है, नाम में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन हो सकता है मेरे ज़्यादा करीब हेलन ज़्यादा हो, हेलन की मेरे साथ में ज़्यादा दोस्ती हो। आपका क्या नाम है? सुमन को उससे ज़्यादा, हाँ किरण वाली को, किरण वाली सुमन, सुमन मेरे से ज़्यादा करीब हो, हो सकता है इतनी करीब मुझसे जो है रुकैया ना हो, ठीक है, रुकैया की जगह मेरे साथ जो है सुमन जो है मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी है। अगर हो सकता है मेरी बहन मेरे काम ना आए, सुमन मेरे काम आ जाए, तो हमें अपने रिश्ते मजबूत करने हैं, अपने लोगों के साथ रवैये बेहतर करने हैं, हमें लोगों के साथ दुख दर्द में किसी की तबीयत पूछने से आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं, किसी को एक गिलास पानी पिलाने से आपका पानी कम नहीं होता है, लेकिन जो बंदा उठ नहीं सकता या कोई बीमारी में पड़ा है वो आपका एक अमल पूरी जिंदगी के लिए उसके लिए बहुत अहमियत रखता है, ऐसा है? आप सबका यहाँ पर ध्यान नहीं है सिवाय इस तरफ वाले सो रहे हैं या खा रहे हैं और इस तरफ वाले सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप नहीं और बाकी भी। अच्छा, जिस तरह के हमने पूजा से शुरू किया, रंगोली आप लोगों ने सुबह से बनाना शुरू की, सबने रंगोली देखी, कौन कौन से रंग इस्तेमाल हुए? आप नहीं, जिन्होंने बनाई है वो जवाब नहीं देगा, वो देंगे जवाब देंगे। चले बताए, लाल लाल हर किस्म के, ये जवाब नहीं हुआ, हर किस्म के रंग, कोई रंग में फर्क नहीं, मुख्तलिफ रंग जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, लाल, नीला, गुलाबी, पर्पल, ठीक है, इस उसी तरह से हर रंग की एक अपनी खूबसूरती है, वैसे ही इंसानों की भी अपनी खूबसूरती है, ठीक है, जिस तरह सब रंग अगर हम मिला दें या जो है एक ही दुनिया में रंग होता तो फिर वो किस किस्म का होता, तो इसीलिए मुख्तलिफ रंगों की तरह हम भी मुख्तलिफ हैं और हम लोग भी एक ही हैं। अच्छा, डांडिया किसे अच्छी खेलना आती है? आप तीनों आ जाए, आप लोग बैठे, सबको सबको मिले, और गरबे का तो उससे ज्यादा ही होता है, इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, बस अपने आप, डांडिया हाथ में आई, स्टेट दिखा, घुस गए बस नाचने के लिए, ऐसा होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, अगर किसी को खेलना नहीं आती तो उसे सिखाई जाती है, वो देख देख के सीखता है, क्योंकि सब एक साथ खेलते हैं इंजॉयमेंट से, जैसे कि भी हमारे भाइयों को डांडिया खेलना बिल्कुल नहीं आती थी, तो अभी हमारी नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चली, हमारे घर में चले, तो हमने अपने सारे भाइयों को, कजन्स को डांडिया खेलना सिखा दिया। ये खुशी मनाने के लिए खेला जाता है, ये कोई मकसद नहीं है हमारा, बस एक खुशी, एक सेलिब्रेशन होता है डांडिया खेलना। अगर डांडिया लेवल 1 नहीं है
तो हम डांस कर लेते, गरबा कर लेते, वो तो सबको आता है। ये गरबा लेकिन गरबे में डांस टाइप का एक होता है कि हम घूमते हैं, हाँ इस तरह से ताली बजा बजा के, बस हमें राउंड लेना होता है, घूमना होता है, गरबा वो होता है। और डांडियों में मेरा बज रहा होता है तभी इंसान भुदकता है, मतलब नाचता है, एंजॉयमेंट होता है। अभी तो सब कुछ आपको आवाज़ से मतलब कैसे, तो हम डांडिया जब इस जब लगेगा तो हम डांडिया कर लेंगे। ये सॉन्ग नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज का एक भजन है जिसपे हम ज्यादातर करना चाहते हैं।